मासूम, क्या हाल है आप सभी की। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के क्रिस्पी और मजेदार से मूली के पराठे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद मूली इस तरीके से लिए और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी मैं इसका छिलका जो है वो रिमूव करके इसको कद्दूकस करूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने लिए 2 मुट्ठी भर के धनिया पत्ते जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 अदद बड़ी मोटी मिर्च जो होती है उसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो चॉप कर लिया है और 1 अदद मैंने छोटे साइज़ का प्याज जो है वो भी बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ मैंने साबित धनिया जो है उसको दरदरा से कूट लिया है और खुश्क मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया रेड चिल्ली पाउडर, नमक लिया हसबे जायका और 2 चुटकी बराबर मैंने लिया अजवाइन और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद जीरा। तो चलिए अपने मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी मूली के पराठे जो है वो उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने मूली के जो छिलके थे वो ऊपर से रिमूव कर लिए हैं और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ तो मूली मैंने इस तरीके से मोटे मोटे मैंने कद्दूकस कर ली है। हमने मोटे ही जो साइज़ है उसमें कद्दूकस करना है और कुछ मैं भी कर लेती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ये तमाम मूली जो है वो कद्दूकस करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये तमाम मूली जो है वो मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर ली। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से पानी निकाल लूँगी। तो ये सब मैंने मूली कद्दूकस कर ली। अब मैं क्या करूँगी कि मूली का जो पानी है वो हम निकालेंगे, क्योंकि जो मूली का पानी है वो निकालना ज़रूरी होता है इससे, क्योंकि इसके पानी में जो है वो बहुत ही स्मेल होती है। तो ये मैं निकाल दूँगी इस तरीके से दोनों हाथों से, इस तरह दबा दबा के हम इसको प्रेस करेंगे। और इस तरीके से मैं तमाम जो पानी है वो दोनों हाथों से प्रेस कर करके इसका निकाल लेती हूँ। तो ये तमाम पानी जो है वो मूली से मैंने इस तरीके से दोनों हाथों से प्रेस करके निकाल दिया है और ये हमारा जो है मूली जो हमने कद्दूकस की थी वो यहाँ साफ सुथरी निकल आई है। तो हम अब आगे की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके इस पर मैंने अपना पैन रख दिया और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा देखिए कुकिंग ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून जो मैंने साबुत जीरा लिया था और 2 चुटकी बराबर जो मैंने अजवाइन लिया था, ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मैं कड़कड़ाऊंगी। और जैसे ही ये हमारे अजवाइन और ज़ीरा जो है वो हल्का सा यानी बुनाई की तरफ जाने लगा, तो अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को मैं सॉफ्ट करूँगी, तो हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसको मैं सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। तो ये प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब बस इसी पॉइंट पे मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसको भी मैं हल्का सा इसके साथ बुनाई इसकी करूँगी। मूली चूँकि पादी होती है तो इसमें इसीलिए मैंने अजवाइन भी ऐड किया है और साथ में जो है तो अदरक भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो बादीपन होता है मूली का तो वो इससे ख़त्म हो जाता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 2 सेकंड के लिए मैंने इसमें भून दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो मूली मैंने जिसमें से पानी निकाल दिया था, तो ये कद्दूकस की भी मूली मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसकी हल्की सी हम भुनाई उस टाइम तक करेंगे कि इसका जो इसके अंदर जो नमी है वो जो है नमी ख़त्म हो जाए। तो ये मूली की जो नमी है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बस हल्का फुल्का सा इसमें थोड़ी सी नमी रहती है। तो अब मैं इस पॉइंट पे क्या करूँगी कि इसमें मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर और हल्दी और साथ ही इसमें मैं डालूँगी जो धनिया मैंने दरदरा से कूटा था, तो वो धनिया मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। मिर्च मसाले जो है वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं हमारे यहाँ क्योंकि थोड़े कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं
अपनी हर रेसिपी में मिर्च मसाला, आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं मिर्च मसाला, कुछ ज़्यादा चटपटा खाते हैं, तो फिर मेरी कोई भी आप रेसिपी देखें तो उसमें अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो उसमें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो है मिर्च मसालों का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा कर लिया करें। तो इसकी मैं हल्की सी इसके साथ बुनाई करूँगी, मसालों के साथ। तो मसालों के साथ मैंने इसकी भुनाई कर दी है, और अभी इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी धनिया पत्ते। तो धनिया पत्ते जो है वो लाजमी इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि धनिया से एक तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और दूसरा इसका लुक जो है वो बड़ा अच्छा होता है। तो धनिया पत्ते जो है वो लाजमी ऐड कर रहे हैं। तो अब मैं हल्की सी इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्च है उसका कच्चापन इसमें ना आए और उसका टेस्ट है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो ये हमारे मूली के पराठों की जो फिलिंग है वो अच्छे से बन चुकी है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं रख दूंगी ठंडा होने। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से 2 पेड़े बना लिए हैं, और अब मैं क्या करूँगी, जैसे हम रोटी को बेलने से पहले इस तरीके से करते हैं दोनों हाथों से, इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दूंगी। और यहाँ मैं डस्टिंग करूँगी कुछ काटे की, इसको मैं थोड़ा सा जो है बेलूंगी, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने मूली का जो बैटर बनाया फिलिंग के लिए, उसमें से मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके तमाम कोने जो है वो इस तरीके से मैं पकड़ के यूँ आपस में मिला दूँगी सारे किनारे, और यहाँ नॉट की तरह इस तरह कर दूँगी, जैसे नॉट लगती है यूँ। तो ये देखें, ये इस तरीके से हमारा ये पेड़ा बन जाएगा। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी करके दिखाती हूँ। दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा फैलाऊँगी, हल्दी से मैं डस्टिंग करूँगी, थोड़ा सा इसको बेलूँगी। तो ये इस तरीके से मैं इसकी हल्की सी, इसको हल्का सा बेल के थोड़ा सा मैं फैलाऊँगी। इसी तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आलू के पराठे बनाए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो उसकी भी मैंने इसी तरीके से फिलिंग की थी, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के पराठे बने थे। चारों साइड में जो है इसके ऐसे ही किनारे एक हाथ से पकड़ती रहूँगी, दूसरे से उठाती रहूँगी, और इस तरीके से करके एंड में यहाँ नॉट लगा देंगे, जैसे नॉट लगती है इस तरीके से, ताकि ये हमारे जो है इसकी फिलिंग बाहर ना सके। तो ये देखिए, ये भी हमारे इस तरीके से केड़ा बन गया। अब मैं इसको हल्के हल्के से बेलूँगी। तो यहाँ मैंने डस्टिंग कर दी आटे की, और अब मैं ये जो मैंने पेड़ा है वो उसको इस तरीके से रख के हल्की सी मैं डस्टिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम प्रेस करें। जो नॉट वाला साइड जो है वो बिल्कुल वो नीचे रखना है, और ये वाला जो साइड है ऊपर रख के, और इसको हल्के हाथ से हमने प्रेस करना। अब बस इतना ही इसको बेलना है, बाकी जो है हम अपने हाथ से इसको इस तरीके से उठा के थोड़ा सा फैलाना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके इस पर तवा रख दिया, तवा हमारा गर्म हो चुका है, और रोटी जो है वो मैंने इस तरीके से फैला दी है, तो हमने तवे पर इसको डाल दूँगी। और जैसे ही नीचे का साइड जो है वो हल्का सा उस पर कलर आ जाता है, तो फिर मैं इसका साइड चेंज करती हूँ। तो नीचे का साइड जो है वो हल्का सा पक चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका साइड में चेंज कर लूँगी इस तरीके से, और ऊपर से मैं क्या करूँगी कि इस पर मैं घी लगाऊँगी, कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना, हल्का सा मैं इस पर घी लगाऊँगी। आप चाहे तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन चम्मच से लगाना ज़्यादा सही है, उससे बेहतर तरीके से ऑयल लग जाता है। तो दूसरा साइड भी मैं इसका चेंज कर लेती हूँ, और अब जो है इस पर भी मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, तो फैला देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से ही काम करना है।
तो अब मैं इसका साइड चेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारा पराठा जो है मूली का, वो अच्छे से कलर उसका बहुत अच्छा आ रहा है। ये नीचे वाला साइड है और ऊपर का ये जो नॉट वाला साइड था ना, ये वो वाला साइड है। और दूसरी साइड से भी जो है उसको भी मैं इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा मूली का जो पराठा है वो बहुत ज़बरदस्त सा कलर उस पर आ चुका है। और ये मैंने डिश आउट कर लिया, इसी तरीके से मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा। तो यहाँ मैंने डस्टिंग कर ली और अभी मैं दूसरा पराठा जो है वो बना रही हूँ। इसको मैंने पहले हाथ से थोड़ा सा फैला दिया है और अब मैं इसको बेलन की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके बड़ा करूँगी। तो बस इतना ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना, बाकी जो है हाथ का काम है। हाथ की मदद से इस तरीके से इसको थोड़ा सा फैला दें। तो इसको भी मैं इसी तरीके से तवे पे डाल दूंगी और जैसे इसका नीचे वाला साइड जो है वो हल्का सा कलर आ जाता है तो मैं पहले इसका साइड वैसे ही जो है चेंज करना है, ऑयल फौरन नहीं डालना। तो दोनों साइड जब कुछ हल्का सा उस पर कलर आ जाए तो ऑयलिंग फिर बाद में करनी है। इसका भी मैं साइड चेंज कर लेती हूँ। बस इतना ही कलर आना चाहिए तो साइड चेंज कर लें, क्योंकि बाद में जो इस पर ब्राउन कलर जो आएगा और ये फ्राई होगा तो वो ऑयल से ही होगा। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस पर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और चम्मच से फैला दूंगी। मूली के जो पराठे हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक तरीका तो ये होता है और दूसरा जो तरीका है तो वो दो लेयर वाला पराठा होता है। तो आगे मैं अपने इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो में डालूंगी जो दो लेयर का पराठा बनता है मूली का, कि वो किस तरीके से बनाया जाता है। बस इस पर ऑयलिंग कर ली है। अब जैसे ही नीचे वाला साइड जो है उस पर कलर आ जाता है और अच्छे से वो फ्राई हो जाता है तो मैं फिर जो है इसका साइड चेंज करूँगी। ये बहुत ही एहतियात से बनाना है क्योंकि इसमें हाथ भी जल सकता है, तो आप जो है बहुत एहतियात से इसको बनाए। तो बस अब मैं इसका साइड चेंज करती हूँ और जैसे ही दूसरे साइड पे ब्राउन कलर आता है तो फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो ये हमारा दूसरा गर्मा गर्म मूली का पराठा जो है वो भी बन चुका है। इसको भी मैं हटा देती हूँ और ये देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे बने। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूली के पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। और साथ में हम इस तरीके से ये अनार और इमली की चटनी जो है ये इसके साथ रख लेते हैं और इसके साथ खाएंगे बहुत ही मज़े से। ये वही चटनी है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बनाई थी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही गर्म हो रहे हैं, ये देखें अंदर से कितने अच्छे, हर साइड पे जो है मूली का जो मिक्सचर था वो फैल चुका है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ आटा हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मूली के पराठे बन चुके हैं। आप भी इसी तरीके से एक मरतबा हमारी इस रेसिपी को लाजमी फॉलो कीजिए, आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इनके बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, उससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो फ़ौरन आप तक पहुँच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।